शुरू करते एक नया व्लॉग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और मैं निकल चुका हूँ स्कूटी से माथेरन की ओर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माथेरन जाने के लिए क्या क्या जरूरी है। हल्की हल्की सुबह हो गई है और मैंने रास्ते में रुककर चाय पी। जहाँ रहता हूँ मुंबई में, वहाँ से यहाँ आने में तो बहुत ज्यादा ठंड है, डबल हो गई ठंड यहाँ पे। ये देखो व्यू, वेल मैं फ्यूल सेंटर पर फ्यूल लेने के लिए रुका था और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और गाड़ी चलाने में मैंने ग्लव्स नहीं लिया तो मेरे हाथ ठंडे हो गए। अभी मैं माथेरन से 8 किलोमीटर इधर ही और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं यहाँ भैया के बस आग सेकने लगा। आपका गांव कहाँ है? मेरा तो गांव यूपी है। यूपी में कहाँ? जौनपुर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं लास्ट नवंबर में माथेरन गया हुआ था। अगर तुम इसके आसपास माथेरन जाने की सोच रहे हो तो तुम सही वीडियो पर आए हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। अगर तुम्हें माथेरन आना है तो क्या क्या तरीके हैं? दो तरीका है जिससे तुम यहाँ पर आ सकते हो। एक तो है कि तुम पर्सनल तरीके से आ सकते हो, तुम अपने बाइक से, स्कूटी से, नॉर्मली तुम आ सकते हो। मैं तो अपनी स्कूटी से आया हूँ और ये काफ़ी आसान है। गूगल मैप पे माथेरन हिल स्टेशन सर्च करो, लोकेशन लगाओ और यहाँ आ जाओ तुम, जैसे मैं आ गया। दूसरा तरीका ये है कि तुम बॉम्बे में जहाँ भी रहते हो वहाँ से लोकल ट्रेन ले सकते हो। लोकल ट्रेन आती है नियर स्टेशन, वहाँ पे आओ और वहाँ से कैब मिलती है यहाँ तक आने के लिए, 100 रुपये लेती जो ऊपर पहुँचाती है माथेरन में, देन वहाँ से तुम एंट्री कर सकते हो। दो तरीका है। फ्लाइट का मुझे नहीं पता और पानी जहाज यहाँ पे है नहीं तो तुम ऐसे आ सकते हो। वेल, मैं सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ठंड का मौसम है तो मुझे ठंड लग रही है और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। मेरे पीछे अगर वो बैकग्राउंड देख रहे हो तो वो गड्ढा गड्ढा सा बहुत खाई है, अगर उधर गिरे तो पता नहीं कहाँ ही जाओगे। तो दोस्तों, मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां से माथेरन विलेज के लिए एंटर करते हैं और सबसे पहले मैंने अपनी स्कूटी पार्क की। और यहां पर आप अपने 4-व्हीलर के साथ भी आ सकते हो, बट इस विलेज में मोटरसाइकिल या फिर कोई भी 4-व्हीलर नहीं चलता है। अवेयर गाइस, यहां पे बहुत सारे मंकी हैं तो अपने सामान को सुरक्षित बहुत रखना। देखो, अगर तुम पर्सनल व्हीकल से आते हो तो आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। बाइक का 60 रुपये, सॉरी वो मराठी में लिखा हुआ था इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, 60 रुपये पर बाइक का चार्ज है। वो उस तरह की जो बसें भी चलती हैं जो नियरल स्टेशन से आपको सीधा यहाँ पे ला सकती है। तो ये एंट्री गेट, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, लेकिन आपको एंट्री के लिए चार्ज 50 रुपये पर हेड। वेल, मैंने टिकट ले ली है और टिकट यहाँ 50 रुपये पर हेड है, तो ये एक टिकट है मेरी। तो चलो अब चलते हैं। तो यहाँ से सभी लोग एंटर कर चुके हैं, मैं भी एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से सारे टूरिस्ट अंदर जाते हैं। यही एक रास्ता है शायद, मैं पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको अंदर घुमा देंगे। एक तो पीछे घोड़ा है ये, फिर घोड़े पे गाड़ी वाली है ये, और दूसरा यहाँ पे बैटरी वाली ई रिक्शा चलती है जैसे वो सामने। देखो, सिंपल सी बात है, 2-3 ऑप्शंस हैं आपको अंदर आने के बाद यहाँ से माथेरन के उस एरिया में जाने के लिए जहाँ पर आप बहुत सारे पॉइंट व्यू कर सकते हो। पहला तो ऑप्शन हो गया घोड़ा गाड़ी, दूसरा ऑप्शन है वो ई रिक्शा वगैरह जो बैटरी वाले रिक्शा आजकल चलने लगे, पहले तो नहीं चलते, जब मैं आया था उसमें नहीं चल रही थी आज से 2-3 साल पहले। एंड एक ऑप्शन है टॉय ट्रेन जो बहुत फेमस है, जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका टिकट लेना आसान नहीं, बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो मैं देखता हूँ अभी टिकट मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर पैदल चल के जाएंगे। मैक्सिमम लोग पैदल ही जाते हैं और जब भी यहाँ पे आओ शूज़ पहन के आओ, अगर पैदल चलना हो शूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेटिंग हॉल है और यहाँ पे सामने है माथेरन स्टेशन, यहाँ से टॉय ट्रेन मिलती जो बन के जाती है ऊपर की ओर।
मैंने टिकट ली है टॉय ट्रेन में बैठने की, और टॉय ट्रेन की टिकट जो है 55 रुपीज़ है। इसलिए जब भी अगर ट्रेन में बैठना है तो भाई फटाफट सुबह सुबह आना, तो इजली टिकट मिलेगी। सारा पॉइंट वगैरह डिलीट कर दें। यार ये टॉय ट्रेन तो काफी स्लो चल रही है, बट इसका कमाल का एक्सपीरियंस है। लोग इसी ट्रैक पर पैदल चल चल कर माथेरन स्टेशन जो जगह है वहाँ पे जाते हैं, और वहीं से सारे पॉइंट के जाने के लिए रास्ता है। ट्रेन 20 मिनट का टाइम लेती है। तो दोस्तों हम 20 मिनट के अंदर पहुँचने वाले हैं अमन लॉज से माथेरन स्टेशन, और वहाँ से हम सारे पॉइंट कवर करेंगे। और यहाँ पे फिल्मी सीन चल रहा है, इसलिए मैं रुका हूँ। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से माथेरन पॉइंट जाने के लिए रास्ता शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारी दुकान है, यहाँ पर आप बहुत सारे एंटीक चीजें खरीद सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और बहुत सारा ये है। और यहाँ से आपको घूमने का जो है जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ आप यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर आप घोड़ा लेना है घोड़ा ले सकते हो, या फिर जो भी यहाँ से अवेलेबल होता है वो आप ले सकते हो। मेन मेरे ख्याल से घोड़ा ही है, यहाँ पे घोड़े पे बैठ के आप जा सकते हो। खैर अब यहाँ से हम लोग पॉइंट पे जाने की तैयारी करते हैं, और जो आसपास है वो मुझे याद आ गया जब मैं पहली दफ़ा माथेरन आया था। माथेरन अचानक ही प्लान बनाया था कि चलो चलते हैं साथ में। हमने अच्छा व्लॉग भी शूट किया था, ड्यू टू टेक्निकल इशू हमारा सारा फाइल करप्ट कर गया था, और इस वजह से वो व्लॉग आया ही नहीं। और मुझे याद है कि हम लोग यही माधवजी पॉइंट पे आए हुए थे, और हम लोग उधर देख के बहुत खुश हो रहे थे यार कितनी हाइट पे हैं या फिर कितना अच्छा मौसम दिख रहा है। यहाँ से बहुत दूर तक दिख रहा है, और वो धुंध भी है जिसको बोलते हैं कुहासा बोलते हैं शायद, वो भी है जिस वजह से ये पहाड़ जो क्लियर नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, आपने वीडियो में देखा हो हल्का हल्का दिख रहा है, और मैं जिस टाइम में आया हुआ था पहले उसमें काफ़ी क्लियर दिख रहा था मेरे ख्याल से, आज से 3 साल पहले की बात है। मैं एंटर कर ही रहा था पॉइंट्स को देखने के लिए, तो मुझे पहली बार दिखा ये अपला दवाखाना, यानी कि यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये जो एरिया है ना सिर्फ हिल स्टेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं। आप कहाँ रहे? गाँव यहीं पे या काम करते हो? अच्छा, ये पूरा गांव है ना? पूरा गांव। आप कितने सारे लोग रहते हैं फिर भी? 5-6 हज़ार लोग रहते हैं। मतलब यही है कि यहाँ के जितने भी लोग रहते हैं ना उनका जो अर्निंग सोर्स है वो टूरिज्म ही है, एग्रीकल्चर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है तो खेती करना तो बहुत मुश्किल है। बट यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, अभी तक तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और काफ़ी फ्रेंडली है। अभी मैंने एक लोकल शॉप पे पूछा कि अमूल के दूध का पैकेट का प्राइस कितना है, तो उन्होंने बोला 32 रुपये। नॉर्मली ये प्राइस जो मेरे घर के पास है 29 है, जो स्टोर में 29 में मिलता है, और यहाँ पे 32 में। और यहाँ का डाक पोस्ट ऑफिस, जैसे ही आराम लॉज से आप निकल के आते हो तो आपको पहला पॉइंट जो मिलता है वो खंडाला पॉइंट, तो हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसके अंदर चलते हैं। चलो खंडाला पॉइंट से दूरबीन के सहारे सृष्टि सौंदर्य देखिए। वाह कमाल है यार। मैंने ये पॉइंट को घूम लिया है, पॉइंट कुछ ज्यादा खास नहीं था। वहाँ पे एक दूरबीन रखा हुआ था, दूरबीन पे देखने के लिए आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे जो दूरबीन के ऑनर हैं उनको। बट व्यू अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और
मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं जब आया था तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट अभी समय के साथ ठंड कम हो गई है, गर्मी बढ़ गई है, तो मज़ा आ रहा है। हमने सोचा कि दो रास्ते मिले और यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस थाने हैं और मेरे पीछे एक मैप लगा हुआ है, शार्लोट लेक, एको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, लुइसा पॉइंट। अभी इसके माध्यम से हम लोग विजिट करने वाले हैं। 1.2 किलोमीटर पे शार्लोट लेक मिलेगा, अब देखते हैं कैसा ये है। चले चलते हैं। हम निकले थे लेक व्यू पॉइंट देखने के लिए, बट वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मैं तो चलता जा रहा हूँ, तो अभी एक भैया मिले थे, घोड़े वाले भैया, तो उनसे मैंने पूछा कि ये लेक पॉइंट किधर मिलेगा, तो उन्होंने मुझे आगे बताया। तो चलो, मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैंने शूज़ पहने, और शूज़ पहन के आने के फ़ायदे ये है कि इस तरह के भीड़ रास्ते में भाई तुम चप्पल पहन के, सैंडल पहन के नहीं चल सकते हो। तुम्हें चाहिए एक शानदार जूता जो गद्देदार हो, जो ईज़िली तुमको रन करवाए और काफ़ी ग्रिप बना कर रखे। वेल, कहते हैं ना, बहुत मेहनत के बाद आपको खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं। हमें यहाँ खूबसूरत चीज़ें दिखी है, वो है ये लेक। काफ़ी अच्छा सा व्यू है, पास जाके आपको दिखाता हूँ। यार ये लेक पॉइंट तो काफ़ी कमाल है, मुझे तो मज़ा आया लेक पॉइंट देख के। यहाँ का पानी बहुत छल छल करती हुई है, शायद ये बारिश का पानी है जो यहाँ पे जमा के आ गया। देखो ये बंद कर रखा है इन लोगों ने, नहीं तो ये पानी नीचे चला जाएगा। हने कमाल, काफ़ी ठंडी हवा आ रही है और काफ़ी कमाल का सीन है। ये पानी एक्चुअली स्टॉक करके रखा जाता है, ये माथरन के गाँव के जितने भी लोकल लोग हैं या फिर जितने रिजॉर्ट हैं, जितने भी लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, इस पानी को प्योरीफाई करके पीने में इस्तेमाल करते हैं। जस्ट आगे ही है लॉर्ड पॉइंट, आई डोंट नो वहाँ पे क्या है, लॉर्ड मतलब मंदिर से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा, तो मैं वहाँ भी जाना है। देन यहाँ से मुझे वापस से निकल के जाना पड़ेगा एको पॉइंट, जहाँ पे आवाज़ एको होता है, वो वहाँ पे मैं गया हूँ, चिल्लाने से आवाज़ वापस आती है। मैं अभी जा रहा हूँ लॉर्ड पॉइंट की ओर, और मुझे लगा था कि मंदिर होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ से कुछ व्यू दिखता है वही लॉर्ड पॉइंट है। और ये देखो, इसका एक इन्फॉर्मेशन है, ये नज़ारे देखना भूला नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम लोग ज़रूर देखेंगे यहाँ का व्यू। यहाँ का व्यू भी काफ़ी कमाल का है, माउंटेन, बारिश नहीं हो रही है ना, ठंडी का मौसम है, बारिश बहुत दिन से हुआ नहीं, तो सूखने लगा है माउंटेन, और ये गर्मी में पूरा बंजर हो जाता है और देखने में बहुत ऐसा ही लगता है, बहुत ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। अभी ग्रीनरी इसलिए भी दिख रही है क्योंकि ठंड है और कुछ समय पहले बारिश हो रही थी। तो लॉर्ड पॉइंट हमने घूम लिया है, और लॉर्ड पॉइंट कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वहाँ से आपको माउंटेन में कुछ सारे व्यूज़ दिख रहे थे, वो एक्स्ट्रा यहाँ से एक्सटेंड कर दिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यू। वापस हमें एको पॉइंट के लिए उधर जाना है। एंड लास्ट दिन जिम में लेग्स की वर्कआउट कर ली थी, और आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे पता चल रहा है कि इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है चलने में, और ये चीज़ें काफ़ी अलग अलग है, उधर जाओ घूम के फिर रिटर्न आओ वापस से फिर आके इधर जाओ, तो इस तरह से है। और राइट नाउ अभी हम जा रहे हैं एको पॉइंट की ओर। ये जंगल काफ़ी घना है और जड़ें देख सकते हो कितनी ख़तरनाक है, और जहाँ देखो प्लास्टिक का बॉटल, ये वो एक्सरसाइजी, भाई प्लीज़ इस तरह से बॉटल मत फेंका करो यार, घना जंगल है और मैं सिर्फ वॉक किए जा रहा हूँ। ये शायद है रास्ता, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार, अगर वॉक करने की ताकत है तो प्लीज़ तभी आना, मतलब नहीं तो बताना। ये रहा एको पॉइंट, ये इधर एको पॉइंट की तलाश में पता नहीं कहाँ आ गए। वेल, मैं आ गया हूँ एक पॉइंट पर, ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है, वही जो पानी वाला व्यू था वो वहाँ पे है, और मैं यहाँ पे हूँ। एको पॉइंट है, चिल्लाने पर चीज़ें वापस आवाज़ आती है, दैट्स वाई एको पॉइंट पॉइंट। अरे देखो यार कितना यहाँ पे बॉटल है, देख के मेरा मूड ख़राब हो जाता है ये। काफ़ी गर्मी सी लगने लगी है, और काफ़ी रोड बहुत, सड़क बहुत ख़राब है, आप शूज़ पहन के नहीं आते हो तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगी। मैंने देखा एक लड़की हील पहन के आई थी, मैंने समझ गया क्या ही हालत हुई होगी इसकी, बट मैं काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि एक तो
कल मैंने अच्छे से वर्कआउट की थी लेग्स की, और आज मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और सड़कें बहुत ख़राब है जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ रहा है। कल ने हमारे लिए गोला लाया है, ये पैसे हैं। हम लोग दूसरे एको पॉइंट पे चले गए तो वहाँ इसलिए एको नहीं हो रहा था, अभी यहाँ से ट्राई करते हैं एको होता है या नहीं। ये प्रॉपर इको पॉइंट है जी, यही है ऊपर अंकल बोल रहे हैं कि हमारा वाला इको पॉइंट है। वो हमारा ये इको पॉइंट है, बोर्ड लगा देखो इधर और डुप्लीकेट इको पॉइंट बोला। तो दोस्तों फाइनली इको पॉइंट मैंने घूम लिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा मैं अपने दोस्त अजीम भाई के साथ आया था। तो इसी तरह मुझे लगता है कि उस समय जब आए थे वेदर बहुत अच्छा था, अभी भी वेदर अच्छा है, ठंड है, बट पता नहीं एक तो वर्कआउट की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, दूसरा रीज़न ये है कि और भी पहाड़ बहुत सारे घूम लिए ना उत्तराखंड के इधर उधर, तो थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है। मैं एक जगह रुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक पानी का बॉटल ख़रीदा है, और इस बॉटल की प्राइस जो है 20 रुपीज़ है नॉर्मल मार्केट में, बट यहाँ आपको इसके लिए 30 रुपये करने होंगे। तो ये मार्केट है शॉपिंग का, तो बुरी तरह से थक चुका हूँ और मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। यहाँ पे अभी 2 से 3 बज चुके हैं, 3:30 बज चुके हैं, अब मुझे निकलना है घर की ओर। तो मार्केट में देखते हैं, मेरे लिए कुछ होता है तो वो लेते हैं, नहीं तो सीधे चलेंगे अपनी गाड़ी के पास। अलंकार मेहता हॉकी में, यार पूरी तरह से घुमा घूमी हो गया और अब मैं घर की ओर निकल रहा हूँ। बेसिकली क्या एक एक्सपीरियंस समझ में आया इस बार कि पैदल जाते हो तो आप थक जाते हो, और घोड़े से जाते हो तो आप वो एक्सपीरियंस फील नहीं कर पाते हो जो आप यहाँ पर आके महसूस करना चाहोगे, तो ऐसा मामला है। तो मैंने चूज़ किया था कि नहीं मैं पैदल जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। रोड बहुत ख़राब था, सड़कें बहुत ख़राब थी जिस वजह से बहुत दिक्कत हुई, तो वापस मैं भी घर जा रहा हूँ। ये है माथेरन रेलवे स्टेशन का बाहर से, वहीं मैं आया था टॉय ट्रेन से, और अभी मैं जाने का सोच रहा हूँ ऑटो से। ऑटो रिक्शा के लिए मैंने बहुत देर वेट किया बट वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और बहुत भीड़ भी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ट्रेन पकड़ के चलते हैं। वो रही मात्रा की ट्रेन, वापस हम स्टेशन पे जा रहे हैं। अगर आप माथेरन से अमन लॉ जाना चाहते हो ई रिक्शा से तो आपको 35 रुपये लगेंगे, और टॉय ट्रेन से आते हो तो 55 रुपये। क्राउड की वजह से मैंने टॉय ट्रेन को चूज़ किया और ईजिली आ गया। वेल, अगर इस ट्रिप के बारे में कहा जाए तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया। इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये ऑफ सीज़न है, मुझे वो व्यू देखने को नहीं मिला, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई चलने में, सड़कें बहुत ख़राब थी जिस वजह से मैं ट्रैक करके व्यू तक पहुंच ही नहीं पाया और अच्छे से घूम नहीं पाया, और काफ़ी डिसअपॉइंट रहा। वेल, अगली दफ़ा मैं ट्राई करूंगा, जब सीज़न हो तब मैं आऊं। इस व्लॉग में इतना ही, अगर आपने व्लॉग यहां तक देखा है तो व्लॉग लाइक कर दो यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा सा कमेंट कर दो। बाय।